Hello everyone, my name is Bhavna Jain and I'm a founder and CEO of Eastern Farm. आज आपके साथ फिर से एक नए वीडियो के साथ आई हूँ, एक नया टॉपिक लेकर। तो आज हम बात करेंगे कमीशन पे काम करने की और फिक्स पे काम करने की। कंसेप्ट क्या है दोनों का, कमीशन पे कैसे काम होता है एंड फिक्स पे कैसे काम होता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम कमीशन पे बात करते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। कमीशन पे अगर आप अब समझिए, एक 10 लाख का कंटेनर आपने जो कमीशन पे लगाया, ठीक है, यहाँ जेबल अली पोर्ट पे आने के बाद उसमें क्लियरेंस चार्जेस रहते हैं और ट्रांसपोर्टेशन रहता है अलवीर मार्केट तक का, तो दोनों को मिला के आपका कम से कम 4000 AD का आपका एक्सपेंसेस आता है। फिर जब आप उसको अलवीर मार्केट में लेके जा रहे हैं तो अलवीर मार्केट में भी पर डे के चार्जेस हैं 400 ग्राम्स, उसे पार्किंग के और उसके साथ साथ उसका ट्रेलर चार्जेस। उसके बाद वहाँ पे आप अगर उसे सेल करते हैं तो लोडिंग चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन है जो आपको ही बेयर करना पड़ता है, आप जिसे भी सेल कर रहे हैं, तो वो भी हो जाते हैं अराउंड 1000 ग्राम के आसपास अगर आप सबको मिलाते हैं तो टोटल जो आपका बेसिक एक्सपेंसेस रहता है जेबल अली से अलवीर मार्केट तक उन गुड्स को सेल करने का, वो रहता है 6000 ग्राम तक का। सो अगर हम इंडियन रुपीज़ में उसको लेते हैं तो दैट इज़ 1,20,000। तो जब भी अगर आप अपना कैलकुलेशन करते हैं कमीशन पे यहाँ पे सेल करने का, तो ये सारी कॉस्ट आप अपने जो भी कॉस्टिंग है उसमें ऐड करें। उसके बाद आप देखिए, अगर आपको 8-10% का उसमें बेनिफिट लगता है यहाँ की मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो ही आप कमीशन पे काम करिए। बिकॉज 5% तो कमीशन एजेंट ही ले लेगा, और उसके बाद चाहे वो प्रॉफिट में जाता है चाहे लॉस में जाता है, आपको 5% आपके कमीशन एजेंट को देने हैं। तो उसमें जो सारा रिस्क रहता है वो एक एक्सपोर्टर का रहता है। और ईयरली आप आपका जो कैलकुलेशन देखेंगे तो आपने जितना भी बिजनेस किया है कमीशन पे, उसमें आपको 30% जो आपके कंटेनर्स हैं उन्हीं पे प्रॉफिट होगा, 70% आप मोस्टली लॉस में जाएंगे। ये कमीशन का कंसेप्ट रहता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में यहाँ पर। और अगर अब हम बात करते हैं फिक्स की, तो फिक्स प्राइस में अगर आपका कंटेनर है 10 लाख का, आपका मार्जिन है 3 और 5% जो इसमें रहता है, आपने जो भी अपना मार्जिन सेट किया है अपने बायर के साथ, तो आपका मार्जिन, आपका प्रॉफिट वेरी फर्स्ट डे से उस पर कन्फर्म है कि आपको इतना मिलेगा। उसमें मार्केट का जो भी अप डाउन है वो आपके मार्जिन को इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो समझिए, अगर आपने 10 लाख का कंटेनर भेजा है और अगर आपका मार्जिन 3% है या 5% है, तो वो 3% 30,000 या 5% 50,000 आपको उस कंटेनर पे मिलने ही हैं, वो आपका फिक्स मार्जिन है। दीज आर द बोथ क्राइटेरियाज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कमीशन पे आपको कब कैसे काम होता है और आपको किस तरह से कैलकुलेशन करनी है अपने कंसाइनमेंट की, अपने मार्जिन की। और अगर आप सोच रहे हैं करने का, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट प्राइस क्या है दुबई के अंदर, आप अपनी कॉस्ट ऐड करें उसके अंदर। उसमें अगर आपको 10% का बेनिफिट हो रहा है मार्केट के अकॉर्डिंग, तो ही आप करें कमीशन में, तो आप शायद कुछ कमा पाएंगे उसमें, अदरवाइज दैट विल बी लॉस फॉर यू। एंड अगर फिक्स में आप कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर यू, वहाँ पर जो आपका रिस्क है वो 0% हो जाता है, मार्केट चाहे अप हो चाहे डाउन हो, वो सारा जो रिस्क है वो बायर पे शिफ्ट हो जाता है। आप एक्सपोर्टर्स के लिए वो ज़ीरो रिस्क का काम है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए हैं। अगर कुछ डाउट्स फिर भी हैं आपके, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके जो भी आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं उनका रिप्लाई करने की, और इस बार भी मैं करूँगी। सो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स ऑन माई वीडियोज़, फॉर योर लाइक्स, शेयर, कमेंट्स, एंड आगे भी मैं उसी तरह उम्मीद करूँगी। थैंक यू ईस्टर्न फार्म, भावना जैन।